माइसेल्फ जेनी। सो यहाँ पे मैं खेल रही थी, मस्ती कर रही थी, फिर मेरे को शाम हो गई तो सबने नहला दिया जबरदस्ती। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था नहाने का। फिर मैंने नहा लिया तो मेरे को गोला क्या भी ड्राई होने के लिए छोड़ा कि मैं सूख जाऊँ। फिर मैं जब ड्राई हो गई तो मैं सोच रही थी लोग मुझे खोल के लेना। फिर उन्होंने मुझे खोला तो मैंने थोड़ी देर बॉल के साथ मस्ती करी। मैंने सोचा थोड़ी देर बॉल के साथ खेलती हूँ और सबको परेशान करती हूँ। फिर मैंने बहुत सारी मस्ती करी, बहुत देर खेला, कूदा, जंपिंग करी, रन करा। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो थोड़ी देर बाहर देखूँ कि बाहर क्या चल रहा है, सब ठीक तो है ना, बाहर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वरना मैं जाके सॉर्ट कराती हूँ। फिर मैंने देखा, फिर मेरे को जब लोगों ने पूछा कुछ करना तो मैंने कहा नो। फिर लोग मुझे बुला रहे थे, मैं नहीं आई। फिर इन लोगों ने मुझे थोड़ा सा परेशान करा तो मैंने फिर थोड़ा सा बाहर देखा क्योंकि बाहर बच्चे खेल रहे थे। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब मेरे को खाने का टाइम हो गया तो मेरा खाना प्रिपेयर होने लगा। खाने में मैं खाती हूँ दलिया, चावल, एग एंड मिल्क, ये मेरा फेवरेट फूड है। फिर मैं थोड़ा सा थक गई तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर मैं रेस्ट कर लेती हूँ। फिर मैं रेस्ट करने के लिए लेट गई और मैं सोने लग गई। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब बहुत देर रेस्ट हो गया, थोड़ी देर और खेला जाए। फिर मैं थोड़ी देर और खेलने के लिए आ गई। फिर मैं खेली, मैंने कहा अब लोग मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, खाना नहीं दे रहे, तो मैं भागने लगी कि मेरे को खाना दो। फिर मैंने जब भागा तो इन्होंने मेरे एग्स बॉयल होने रख दिए कि अब इनके एग्स बॉयल हो जाए। फिर मैं खाने का वेट कर रही थी पर ये लोग तो मुझे कुछ दे ही नहीं रहे थे। फिर बहुत देर मैंने वेट करा, मैं इनको कहती रही कि मुझे फूड दो। फिर इन लोगों को थोड़ा सा मुझ पर लगा तो इन्होंने मेरे को फूड देने का सोचा। फिर इन लोगों ने मेरे खाने के लिए प्रिपरेशन करी और ये लोग मुझे खाना देने लगे। फिर मैं वेट करती रही करती रही कि मेरा खाना कब आएगा। फिर फाइनली जा कर के इन लोगों ने सोचा मेरा खाना नहीं आया और मैंने फिर थोड़ी देर जा कर के रेस्ट कर लिया। फिर फाइनली मेरा वेट ख़त्म हुआ और मेरा खाना आ गया। फिर मैं बस देख रही थी कि कैसे ये लोग मेरे को खाना दें, उस पर बिल्कुल टूट पड़ूँ। फिर जब मुझे मेरा खाना मिला तो मैं जल्दी 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 खाने लगी। मैंने सोचा थोड़ी देर फ्लोर को भी थोड़ा सा खिला देती हूँ, वो भी थोड़ी सी भूखी होगी। फिर मैं जल्दी 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 मैंने अपना सारा खाना एकदम से फिनिश करने लग गई और देखते ही देखते मैंने अपना सारा खाना खा लिया। इन लोगों ने मुझे बुलाया पर मैंने कहा नहीं, खाने के टाइम नो प्यार। मेरा पैरेट भी मुझे देख रहा था कि मुझे भी खाना दो, पर ओह नो, इनको तो कुछ नहीं मिला। और देखते ही देखते मैंने पूरा खाना एकदम साफ कर दिया, ये देखो बिल्कुल साफ कर दिया ना धुला हुआ। फिर मैंने कहा चलो जो नीचे गिरा उसको भी साफ कर लेती हूँ क्योंकि खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। फिर मैंने कहा थोड़ी सी सफाई बर्तनों की और धोने का काम बचा देती हूँ। फिर मैं जल्दी 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 अपना सारा खाना खाने लगी और ऐसे करते करते मैंने अपना सारा खाना एकदम फिनिश कर दिया। फिर उन दो इन्होंने तो मुझसे मेरा कटोरा ही ले लिया, इनको क्या लगा था कि क्या मैं इनका कटोरा भी खा जाऊंगी, पर ऐसा नहीं था। मैंने कहा ले लो कटोरा, नीचे गिरा हुआ है, मैं उसको साफ कर लेती हूँ। मैं उसको खाने लगी और खाते 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 मेरा खाना खत्म हो गया, मेरा पेट भर चुका था। तो अब मैंने सोचा क्या करूँ, मैंने सोचा थोड़ी देर वेट करती हूँ, ये लोग मुझे कुछ और खाने को देंगे। पर इन्होंने तो मुझे कुछ नहीं दिया, ये तो मेरा वही डॉक्टर लेके खड़े थे। मैं कोशिश करी कि मुझे वापस कर दें पर इन्होंने नहीं। फिर मैं थक गई, मैंने कहा बाहर में जाऊँ, मैं तो मैं चली गई सोने। और रात हो चुकी थी और ये टाइम था सोने का, तो मैं चली गई अपने बेड पर सोने के लिए और बस मैं सो गई जाके। गुड नाइट। अगर आपको मेरा और ब्लॉग देखते तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो। फिर आपको और नए नए ब्लॉग